So I take integer a as 10. So wherever there is equal to, this becomes an expression. This becomes a, and c का जो है equal to के RHS में सारे calculation होते हैं. क्या होते हैं? कैलकुलेशन कहाँ होते? RHS. और LHS में रिजल्ट स्टोर होता. क्या होता? तो इक्वल टू आ गया तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन. ओके, RHS में यू कैन हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, लाइक यू कैन हैव 1, 2, 100, 5,000. ये सब क्या है? ये सब क्या है? कांस्टेंट वैल्यू क्या ये? और यू कैन हैव अ वेरिएबल लाइक when we don't know a b height width है ना, अपन जो फंक्शन अपन जो करते आए हैं वेरिएबल अभी तक. और यू कैन हैव कांस्टेंट एंड वेरिएबल. Like 100 plus a, what you can have? Or you can have 2 multiply by height. So constant be sakta hai aur variable, and you can have variable and variable. What you can have? Samjho isko. Like a plus b. Or you can have a equals to, okay, you can have this a plus b, you can have a multiply by b. तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, तो अभी यहाँ पर देखो मैंने किया है, यहाँ पर जो किया है मैंने ऊपर एग्जाम्पल में a equal to 10 मतलब सिर्फ क्या है RHS में? Constant है. Okay, अगर मैं ऐसा कर दू integer a A equals to 100 plus 200. अभी क्या है? कौन सा वाला? Just give me the A B C D वाला answer. This answer in A B C D. A constant है. And you can have constant and variable, variable, variable. You can also have constant and constant also. No? What you can have? जो ऊपर मैंने किया है वो क्या है? कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, वेरिएबल. ओके, देखो अभी, चलो अभी ये बोलो कौन सा, ये क्या है? द हंड्रेड क्या है? हंड्रेड इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, राइट? तो ये क्या है आरएचएस में? क्या है? हेलो, कांस्टेंट. तो कांस्टेंट एंड अ कांस्टेंट, अब तो ये कौन सा वाला हो गया? ई वाला. कौन सा फ्लेवर? ओके, तो अभी ए का वैल्यू क्या हो गया? अगर ए का वैल्यू शुरू में 10 था, क्या था? अगर मेरे ए का वैल्यू 10 था शुरू में, ये था, तो अभी नया वैल्यू क्या है ए का? So now what is 100 plus, what is 100 plus 200? 300. Will be stored where? On the LHS. Result कहाँ store होगा? LHS. तो ये 10 जो है ना, 10 जो, ये जो 10 है ना, 10, ये 10 निकल जाएगा. 10 क्या होगा? निकल जाएगा. उसकी जगह पे क्या आएगा? नया वैल्यू 300. ठीक है, करते जाओ. देखो अभी, ओके, नाउ आई टेक वन मोर वेरिएबल, लेट्स से इंटीजर बी इक्वल्स टू 5. क्या लिया मैंने? तो अभी क्या है बी में? क्या आ गया? कांस्टेंट. क्या बी में क्या आ गया? सही है.
Okay. Yes. Now we'll do the, now the exercise will start. What is this now? B plus 10. Kitna hota? 15. 15 store kis mein honga? LHS mein kya hai? तो क्या होगा अभी 300 निकल जाएगा अभी क्या आएगा इसकी जगह पे समझ रहे ओके नाउ टेल मी बी प्लस बी कितना हो गया 10 विल बी स्टोर्ड इन बी नाउ टेल मी तो क्या होगा 5 निकल जाएगा और क्या आएगा इसके जगह पे समझ रहा है ओके नाउ इफ आई डू बी मल्टीप्लाई बाय ए गोज इनटू ए नाउ नॉट टेल यू व्हाट हैपेंस ए में क्या होगा पहले 15 बाहर निकल जाएगा और क्या आएगा नया वैल्यू पहले ए में क्या वैल्यू था ए का वैल्यू क्या है हेलो 5 था अभी अभी क्या है ए का वैल्यू कितना है तो बी का वैल्यू कितना है बी का वैल्यू और ए का वैल्यू कितना है 15 तो 10 इनटू 15 कितना होता 150 वो किस पे जा रहा है ए में जा रहा है तो अभी क्या होगा ए क्या बन जाएगा 150 ऐसे होता है समझ रहा क्या नहीं ओके ये कौन सा वाला पार्ट है ए बी सी डी में से ये वाला पार्ट कौन सा है वेरिएबल प्लस कांस्टेंट कौन सा वाला सी वाला कौन सा वाला ये वाला कौन सा है वेरिएबल प्लस वेरिएबल कौन सा तो इतने अलग अलग टाइप के यू हैव एक्सप्रेशंस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट ये रहा ओके एंड व्हाट इज वेरिएबल तो व्हाट इफ आई डू लाइक दिस ए इक्वल्स टू बी नॉट टेल मी क्या हो जाएगा अभी इट इज स्टोर्ड राइट टू लेफ्ट इट इज स्टोर्ड राइट टू लेफ्ट हाउ इज इट स्टोर्ड क्योंकि पहले बी प्लस 10 होता और फिर आंसर जाता ना ए में है ना तो व्हाट इफ आई से ए इक्वल टू बी तो व्हाट विल हैपन क्या होगा सर ए इक्वल टू बी तो हाउ विल यू रीड दिस यस मैं बोल रहा हूं कि बी इक्वल टू मैंने ये लिखा है ए इक्वल टू बी अभी क्या होगा सर ए को बी की वैल्यू असाइन तो क्या हो जाएगा ए के अंदर क्या चला जाएगा 150 निकल जाएगा क्या होगा और क्या जाएगा समझ रहा है तो क्या हो गया ऑन द आरएचएस यू कैन हैव अ वेरिएबल आल्सो तो ये हो गया बी वाला फ्लेवर और ये जो है ये ए वाला है कि ऑन द आरएचएस यू कैन हैव ओनली अ कांस्टेंट समझ में आ गया सारा ओके अभी अगर मैं समझो मैं ऐसा करता हूं इंटीजर x इक्वल्स टू 2 इंटीजर y इक्वल्स टू 5 इंटीजर z और z इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय y प्लस 200 क्या नॉनसेंस है यार ये इंटीजर x इक्वल्स टू 2
दिया वाई इक्वल्स टू फाइव, इंटीजर जेड किया, जेड इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 200। अब बोलो क्या जेड में क्या जाएगा, बोलो अभी। सो जब हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो एक्स में क्या है, अभी ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एक्स के अंदर क्या है, हाँ वाई में क्या है फाइव, अब जेड में क्या है एक्स इंटू वाई प्लस 200, कितना 210। तो कैलकुलेशन पूरा का पूरा आरएचएस में होगा, उसका रिजल्ट स्टोर होगा एलएचएस। क्लियर? ओके, अगर ऐसा ऐसा कर दूं तो मैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, अब क्या होगा, अब एक्स में क्या आएगा, तो टू विल बी रिमूव्ड फर्स्ट एंड देन एक्स में क्या आएगा, सेवन आएगा। ठीक है, ओके। अभी अगर मैं करूं जेड प्लस 300 इक्वल्स टू वाई, बोलो क्या आएगा अक्षय, वैल्यू किसका चेंज होगा इसमें से, एक्स वाई में वैल्यू चेंज किसका होगा, जो एलएचएस में, एलएचएस में कौन है, y का वैल्यू चेंज होगा, तो ये वैल्यू निकल जाएगा, नया वैल्यू क्या आएगा y का, अक्षय, यस सानिया, व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ y, सकी 510, ब्यूटीफुल, ये है। तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशंस, ये समझने की जरूरत है।